बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जालंधर से, जहां पर गाजीगुला चौक में गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा इलाका। स्विफ्ट कार में आए बदमाशों ने पूर्व पार्षद और जिला कांग्रेस देहात के पूर्व प्रधान सुखमीत सिंह डिप्टी की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। गाजीगुला चौक पर स्विफ्ट कार में आए बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं गोलीबारी के बाद बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। वहीं मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार पुलिस को मौके पर 8 से 10 खोल प्राप्त हुए हैं। वहीं सुखमीत को सत्यम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें, बहुचर्चित कॉलोनाइजर के बेटे मिक्की के अपहरण कांड में सुखमीत को जेल हुई थी और सुखमीत डिप्टी कांग्रेस के पार्षद भी रह चुके हैं। देखिए जलंधर से ईशान जुनेजा की पूरी रिपोर्ट। किन्ने राउंड गोली चली है फिलहाल? हाले इस बारे दस रहे, चेक कर रहे हैं जी। चेक करके जो कुछ सिचुएशन होगी तुम दस देंगे। मौके दे अफसर है।